ये ललकार है संतों की और नाम ले रहे हैं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का। संतों ने भगवान राम पर टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की खूब आलोचना की। उत्तर प्रदेश की रायबरेली में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में एक कार्यक्रम के दौरान हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे लगाने के आरोप में मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि रायबरेली में रहने वाले मारुत त्रिपाठी की तरफ से मंगलवार को FIR दर्ज हुई। पुलिस शिकायत के मुताबिक इंटरनेट पर एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें मौर्य को नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। आरोप है कि स्वामी प्रसाद ने मिले मुलायम काशी राम, हवाम हो गए जय श्री राम के नारे लगाए। अब इस वीडियो के बाद संतों का कहना है कि मौर्य के बयान से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। बात यही खत्म नहीं हुई, संतों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अखिलेश अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दें। स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं बताना चाहता हूं कि ये भारत है और यहाँ चप्पा चप्पा राम के दीवाने हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जहां भी जाएंगे उनका कान फट जाएगा श्री राम के नारों से। ये मेरा दावा है और मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि ये भारत सनातनियों का है और ऐसे लोग उसी का फलीभूत है कि आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बसपा का कोई अस्तित्व नहीं है भारत में। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं यही कहूंगा समाजवादी पार्टी को कि यदि अपना वजूद थोड़ा बहुत बचाना हो तो मक्खी की तरह स्वामी प्रसाद मौर्य के निकाल के फेंक दो, वरना जो सीटें थोड़ा बहुत मिल भी जा रही हैं ना, वो भी खत्म हो जाएंगी और प्रभु श्री राम का अपमान जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इतिहास गवाह रहा, जिन लोगों ने प्रभु श्री राम का अपमान किया उनके यहाँ रहा न कुल को रोवन हारा, राम विमुखस हाल तुम्हारा। इसलिए वही हाल सपा का भी होने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल लगातार सनातन धर्म के विरोध में और सनातन देवी देवता के विरोध में बोलते हैं। कष्ट इस बात की है कि एक तरफ तो सेकुलरिज्म की चोला पहनकर अखिलेश यादव जी यह कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सपा के कार्यक्रम में सपा के मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की मौजूदगी में नारा लगाता है, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गया जय श्री राम। अब देखिए, हिंदू जनमानस समझो, भगवान राम को भी ये लोग हवा में उड़ा दिए, ये नहीं चलेगा। ऐसे आम मर्यादित टिप्पणी नहीं चलेगा। आपको याद होगा इससे पहले साल की शुरुआत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के कुछ छंदों पर जाति के आधार पर समाज के एक बड़े वर्ग को अपमान करने का आरोप लगाते हुए इन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, तभी से वो विवादों में घिर गए। स्वामी प्रसाद मौर्य को दल बदलू नेता भी कहा जाता है। पहले BSP, फिर BJP और अब समाजवादी पार्टी में रहकर विवादों से उनका नाता टूट नहीं रहा है, और अब वायरल हो रहे वीडियो के बाद मौर्य संतों के निशाने पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JVT लाइव।